फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स, तो उसके एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 18 जनरेशन, 10 जनरेशन, 10 जनरेशन पहले उसके कितने एंसेस्टर्स थे ये बताना है। तो इसमें ए पर्सन हैज टू पेरेंट्स, तो ए इज इक्वल टू अगर टू एंड फोर ग्रैंड पेरेंट्स, आर किसके बराबर आएगा, 4/2 इज इक्वल टू टू। यू सी टू पेरेंट्स, एट ग्रैंड पेरेंट्स, फोर से मल्टीप्लाई हो गया, एट हो गया, एंड सॉरी टू से मल्टीप्लाई हो गया, फोर हो गया, टू इंटू टू फोर, एट ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, फोर को टू से मल्टीप्लाई किया एट, यानी कि पहले दो हैं फिर चार है फिर आठ है, बट इज दिस दिस इज ए जीपी। ठीक है, उसने पूछा टेन जनरेशन, यानी कितना हो गया टेन, तो कितने ग्रैंड पेरेंट्स थे, फाइंड द नंबर ऑफ हिज इंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन, 10 जनरेशन में उसके नंबर ऑफ इंसेस्टर्स कितने थे, टोटल पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन, प्रीसीडिंग हिज ओन, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर दी एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, हियर आर इज ग्रेटर देन वन, ए इज टू इंटू टू रेज पर टेन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, दैट इज टू इंटू टू दी टेन इज 1024 माइनस वन अपॉन वन, दैट इज टू इंटू 1023, दैट इज 2046, तो ही हैज ए टोटल ऑफ 2046 एंसेस्टर्स। Now let us take some additional questions on GP. Additional problems. जो प्रॉब्लम्स थी दैट वर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड नाउ आई एम टेकिंग सम एडिशनल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज दिस इज एग्जाम्पल टू पेज 11 फ्रॉम माई नोट्स, द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ ए जीपी, इज 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, फाइंड द कॉमन रेशियो। फाइंड द कॉमन रेशियो, देखो इसको कैसे करेंगे।
Now, solution given S9, sum of 9 terms, sum of first 6 terms of a G, sorry, sum of first 6 terms of a GP, that is S6, is 9 times the sum of first 3 terms. S6 is 9 times S3, which implies what is S6? A into and what is S3? Upon R-1. Where dekho, R-1 cancel with R-1, A cancel with A, which implies 1, of course, 9 times, 9 again, yahan pe 9 again. So this is R-6 minus 1 is equal to 9R-3 minus 9, which implies R-6 minus 9R-3 plus 8 is equal to 0. इसको factorize कर दो, factorize करोगे ये आ जाएगा R³ minus 8 into R³ minus 1 is equal to 0, which implies R³ is equal to 8 or 1, which implies R is equal to 8 means 2³, 1 means 1³, R is equal to 2 or 1, ठीक है, so this is equal to 2 because R is not equal to 1, ठीक है, ये देखो अगर R is equal to 1 हो जाए ना SN का फार्मूला क्या हो जाएगा, A इंटू 1 दी एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, दिस फार्मूला फेल्स, ठीक है, फार्मूला जो है नॉट एप्लीकेबल है, बिकॉज दिस विल बिकम 0/0, विच इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म. R इज इक्वल टू 2, तो वी वर टू फाइंड द कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो आ गई, तो दिस इज द आंसर. Example 4, page 11. The sum of first 3 terms of a GP is 21, while the sum of next 3 terms is 168. Remind the first term and common difference. So determine R and A. R or A nikalo kya hoga? Solution. There it is given that
sum of first three terms, that is t1 plus t2 plus t3, is, this is 21, that is a plus ar plus ar square is equal to 21, that is a is common, 1 plus r square is equal to 21. This is question number, this is question number 1. Also, sum of next three terms. What is the sum of next three terms? T4, T5 plus T6. This is 168. What is T4? AR is power 4 minus 1. AR is power 5 minus 1. AR is power 6 minus 1. Is equal to 168. A common आ जाएगा. चलो पहले वैसे लिख लो. AR cube, AR 4, AR 5 is equal to 168. इसमें से AR cube is common. 1 plus R square is equal to 168. This is equation number 2. Dividing equation 2 by 1. ए कैंसल विद ए, दिस कैंसल विद दिस, ए कैंसल करके आएगा 8. आर क्यूब इज इक्वल टू 8, दैट इज 2 क्यूब, दैट इज आर इज इक्वल टू 2. पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करोगे, दिस इज द इक्वेशन. ए इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 21. That is 3a is equal to 21, a is equal to 23 by 21 by 3 is equal to 7. So that is the required answer. Next is example 6, case 12. Sum two n terms the series. So on. Solution is, let S is equal to x plus y plus x square plus xy plus y square plus x cube x square y plus xy square plus y cube plus so on up to n terms. This is a tricky question. Multiplying both sides by x minus y. तो दोनों तरफ x minus y से multiply कर, x minus y से multiply करोगे इस तरफ आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एस इज इक्वल टू. अब देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एंड एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स माइनस वाई, दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. सिमिलरली इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज एक्स फोर माइनस वाई फोर, सोन अप टू एन टर्म्स.
x माइनस वाई इंटू एस, इसमें से x अलग कर लो, माइनस y को अलग कर लो, वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू दिस इज x माइनस वाई इंटू एस, बट दिस इज ए जीपी, दिस इज ए जीपी विथ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे जीपी का, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट इज द कॉमन रेशियो x, x के ऊपर एक्स स्क्वायर x, कॉमन रेशियो इज x, तो जनरली वी टेक कॉमन रेशियो लेस देन वन नॉट गिवन और ग्रेटर देन वन, तो यह आ जाएगा x रेज पर n अपॉन वन माइनस एक्स माइनस सिमिलरली वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म वन माइनस वाई डी एन अपॉन वन माइनस वाई, तो बट इज एस इसे डिवाइड कर दो, सीधा तो दीज ए ट्रिकी क्वेश्चन, यू मस्ट नो दीज आर द फैक्टर्स एक्स प्लस वाई और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, दिस इज द ट्रिक यूज इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल एट, पेज 12 ऑन द नोट्स, दिस इज इफ एस वन एस टू एस थ्री बी रिस्पेक्टिवली द सम्स ऑफ एन टू एन थ्री एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, देन प्रूव दैट एस वन इंटू एस थ्री माइनस एस टू इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन होल स्क्वायर। सोल्यूशन इन दिस, वट इज एस वन, एस वन इज सम ऑफ एन टर्म्स आर दी एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, एंड वट इज एस टू, एस टू इज सम ऑफ टू एन टर्म्स टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, एंड वट इज एस थ्री ए इंटू आर दी थ्री एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, सम ऑफ एन टर्म्स टू एन टर्म्स एंड थ्री एन टर्म्स, टेक द लेफ्ट हैंड साइड, एस वन इंटू एस वन इंटू एस थ्री माइनस एस टू, एस वन इज ए आर दी एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू एस थ्री ए आर दी थ्री एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन माइनस ए आर दी टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू फ्रॉम द ब्रैकेट ए अपॉन आर माइनस वन इज कॉमन, कहते हो जाएगा ए कॉमन आ गया ए इंटू ए स्क्वेयर आर माइनस वन स्क्वेयर आर दी एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू, यहां पर आ जाएगा आर एस पर थ्री एन माइनस वन माइनस आर दी टू एन माइनस माइनस प्लस वन, दिस वन कैंसिल विद वन, दिस इज इक्वल टू आर दी टू एन इज अगेन कॉमन, यहां से आर के टू एन कॉमन आ गया, ए स्क्वायर आर के टू एन आर एस पर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन का स्क्वायर, मेरे से यहां गलती हो गई है, मैंने आर माइनस वन यहां पर लगा दिया एक छोटा इंटू आर दी एन माइनस वन, बिकॉज आर के टू एन कॉमन आ गया, यहां आर के एन माइनस वन,
दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर के टू एन आर दी एन माइनस वन इंटू आर दी एन माइनस वन आर दी एन माइनस वन द स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का स्क्वायर. और टेक द अदर साइड एस टू माइनस एस वन होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एस टू इज ए इंटू आर दी टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन माइनस ए इंटू आर दी एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ही ए अपॉन आर माइनस वन कॉमन ए अपॉन आर माइनस वन कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा आर दी टू एन माइनस वन माइनस आर दी एन माइनस माइनस प्लस वन वन कैंसल विद वन होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए अपॉन आर माइनस वन फ्रॉम हियर आर दी एन इज अगेन कॉमन इंटू रह जाएगा आर दी एन माइनस वन सारे का होल स्क्वायर इसको स्क्वायर करो ए स्क्वायर आर एस पर टू एन आर दी एन माइनस वन द होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर दिस इज इक्वेशन नंबर वन दिस इज इक्वेशन नंबर टू. तो आप देखोगे दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेम है फ्रॉम वन एंड टू एस वन इंटू एस थ्री माइनस एस टू इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन का होल स्क्वायर ठीक है. तो दिस प्रूव द गिवन.